एक नन्ही परी माँ बाप की लाडली होती है। एक नन्ही परी माँ बाप की लाडली होती है, भाई बहनों की जान होती है। एक नन्ही परी घर को रोशन करती है, अपने नन्हे कदमों से घर के आंगन को भरती है। कभी मुस्कुराती है, कभी खिलखिलाती है, कभी रोती है, कभी उदास होती है। कभी नादानियाँ करती तो कभी बदमाशियाँ, कभी जिद करती तो कभी नखरे दिखाती है। ऐसे ही खिलखिलाते वक्त के साथ बड़ी हो गई, डोली में बैठ ससुराल विदा हो गई। जो कल तक नादान थी वो आज समझदार हो गई, जो कल तक बच्ची थी वो पल भर में ही बड़ी हो गई। जो कल तक बेटी थी वो आज किसी के घर की बहू हो गई, पल भर में जिम्मेदारियां संभालने लायक हो गई। कितना अनोखा सा सफर होता है, कभी रोशन तो कभी कांटों भरा होता है। इतनी आशाएं होती है उससे कि उसकी पहचान ही खो जाती है उसमें। तो घर को संजोकर रखती है, फिर भी क्यों उसमें इतनी कमी दिखती है? क्यों उसका कुछ भी करना कम ही लगता है? क्यों उसका कुछ भी कहना अच्छा नहीं लगता है? क्यों उसकी खामोशी समझी नहीं जाती है? क्यों उसकी काबिलियत देखी नहीं जाती है और कमियां तो ढूंढ ली जाती है? प्यार सबको होता है उससे, प्यार सबको होता है उससे, पर शायद आशाओं से ज्यादा नहीं। फिक्र सब करते हैं उसकी, फिक्र सब करते हैं उसकी, पर शायद उम्मीदों से ज्यादा नहीं। लड़की होना तो बुरा नहीं, लड़की होना तो बुरा नहीं, फिर भी क्यों ये एहसास कराया जाता है कि तुम एक लड़की हो, एक बहू हो, एक माँ हो।